अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं अलकलम एजुकेशन चैनल, यू आर वाचिंग अलकलम एजुकेशन चैनल, जहां पर हमने आईकॉम पार्ट टू के लेक्चर स्टार्ट किए थे। अब हम आईकॉम पार्ट वन की भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि इम्तिहान तकरीबन करीब करीब है थे और बच्चे ढूंढ रहे हैं कि कोई हमें ऐसे लेक्चर्स मिल जाए, कोई ऐसा कि हमें गेस्ट दे और हम अच्छी तरह से पढ़ा दें। तो हम यहाँ पर आपके लेके आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें आप 2 माह में तैयारी करें और अच्छे नंबरों में कामयाब हो जाए। ठीक है, हम आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं समझाएंगे कि वहाँ से यहाँ से यहाँ से, हम सिर्फ टू दी पॉइंट बात करेंगे कि स्टूडेंट्स को पढ़ें, यहाँ तक कि जो नल माइंडेड स्टूडेंट है, डल माइंडेड स्टूडेंट है, जिसे नल भी बाज़ लोग कह देते हैं, वो भी पढ़ें और आगे जो है बढ़ सके। ठीक है, तो बहुत ईजी वे समझाएंगे। सबसे पहले पैटर्न जो चलता है वो हम आपको बताते हैं कि आईकॉम पार्ट वन के अकाउंटिंग में हमारे पास 100 नंबर का पेपर होता है। पहले आपको बता दें कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। फर्स्ट हमारे पास आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन पहले जब आते थे उसमें ये होता था कि 25 शॉर्ट क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने पड़ते थे और 50 नंबर के होते थे, जिसकी वजह से बच्चे सारी वजह सिर्फ शॉर्ट पर रखते थे और लॉन्ग को छोड़ देते थे, कहते पता है कि यहाँ से 50 नंबर मिलने हैं। लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया है कि उन्होंने इसके 2 पार्ट्स बनाए हैं, यानी 2 पार्ट्स बनते हैं आपके पार्ट वन और पार्ट टू। ठीक है, और इसमें से आप लोगों ने क्या करने होते हैं, 5-5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और वो आपके कितने नंबर के होते हैं, 20 नंबर के होते हैं। ठीक है, ये 20 नंबर तो आपको यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ आपके होते हैं 20 नंबर के, यानी ये टोटल आपके कितने नंबर हो गए, 40 नंबर का हो गया कि शॉर्ट क्वेश्चन आपने क्या करने हैं, कितने अटैम्प्ट करने हैं, 10 अटैम्प्ट करने हैं। तो यहाँ तक तो आपको हो गया होगा कि 20-40 नंबर आपके यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में टोटल आपके आते हैं 5 क्वेश्चन। ठीक है, और उसमें से आपने कितने अटैम्प्ट करने होते हैं, अटैम्प्ट आपने करने होते हैं any 3, और आपका एक सवाल जो होता है वो 20 नंबर का होता है, यानी टोटल मार्क्स आपके 60 नंबर आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। ज़रा सोचें, हम यहाँ पर आपको करवाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप सिर्फ उन्हीं को कर लें तो आप 60 नंबर यहाँ से आराम से गेन कर सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन भी इजली और MCQs भी इजली है। तो ये आपका पैटर्न था, 100 नंबर आपके पूरे हो गए। अब हम आपको चैप्टर बताते हैं कि इम्तिहान में किस तरीके से आप इजली नंबर गेन कर सकते हैं अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग बहुत आसान है, मैंने आपको पहले बताया कि आईकॉम पार्ट टू का तो हमने स्टार्ट किया हुआ, आईकॉम पार्ट वन का भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट आईकॉम पार्ट वन के हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी नई वीडियो आए तो उसके अपडेट्स आपको मिल सकें। हम बहुत स्पीड के साथ वीडियोज़ जा रहे हैं ताकि इम्तिहान से पहले पहले जो है ना वो कवर हो जाए आपका। तो देखें, चैप्टर वाइज आपको बताते हैं जो मेन है। सबसे पहले आपके पास आता है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इसको हम जब करवाएंगे तो बहुत इजी तरीके से करवाएंगे, इतना आसान तरीके से कि आपको कहेंगे कि वाकई समझ आ गई है। ठीक है, और इसमें एडजस्टमेंट बहुत आसान तरीके से करवाएंगे, घुमाएंगे नहीं, इतना लंबा चौड़ा नहीं लेके जाएंगे कि टू दी पॉइंट बात करवा दी कि आप इम्तिहान में करने के काबिल हो जाए। दूसरा आपके पास है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है, ये बहुत अहम चैप्टर है। वैसे तो यहाँ पर करवाते हैं तो वो उसको पता नहीं किससे टेबल से करवाते हैं, स्टूडेंट के लिए मसला बनता है, लेकिन हम आपको यहाँ फॉर्मूले से करवाएंगे। अगर आपने इसको फॉर्मूले का याद कर लिया तो कोई भी सवाल आ जाए आप इजीली इसको जो है माइनस प्लस करके कर लेंगे, यानी डेबिट एंड क्रेडिट करके। तीसरा चैप्टर आपके पास है बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, जिसमें एंट्रीज होती है। अब देखें, इसमें से भी एक सवाल आना कन्फर्म है, 20 आम इसमें से भी सवाल आना कंफर्म है, इसमें से भी सवाल आना कंफर्म है। अगर आप सिर्फ इन तीनों चैप्टर पे ही ग्रिप कर लें, सिर्फ और कुछ भी ना करें, सिर्फ इन तीनों चैप्टर पे ग्रिप कर लें, तो आपके 60 नंबर इजली यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, ये मेन जो हैं ये आपके जो है चैप्टर्स हैं जो अकाउंटिंग के। उसके बाद 4वें में आपके पास आ जाता है जर्नल लगा लें आप, जर्नल के अंदर देखें लेजर भी आ जाता है और ट्रायल बैलेंस भी आ जाता है। ठीक है, और ये वैसे भी वो जनरल बास स्टूडेंट अटैम्प्ट करते हैं, क्योंकि इसमें एंट्रीज़ का होता है, फिर लेजर बहुत लंबा चौड़ा चल जाता है। 5वां आपके पास आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है, और 6वां पे आपके पास है कैपिटल एंड रेवेन्यू। ये 2 चैप्टर हैं। अगर तो टाइम कम हम जा रहे हैं कि स्टूडेंट को तैयारी करनी है तो हम इसको प्रेफर नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर अगर फर्स्ट करें आपने नहीं भी किए तो बीकॉम में जाके आप कवर हो जाते हैं, तो टेंशन नहीं, नहीं आपको, हमें नहीं आता, वो हो जाएगा आपको। लेकिन अभी फिलहाल अकाउंटिंग के जो मेन 3 चैप्टर्स है, फाइनल बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट और बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अगर आईकॉम के जितने भी स्टूडेंट हमें देख रहे हैं
तो आपने हमें बताना है कि कौन सा चैप्टर आप पहले स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप नहीं बताएंगे तो हम अपने हिसाब से कर लेंगे, क्योंकि ये मस्ट पहले तीन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से पेपर आपका कवर हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई इसको लाइक करें, लाइक के साथ सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि जब भी कभी नई वीडियो आए आप इसकी अपडेट मिल सके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि इम्तिहान करीब आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।